झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर वन स्टेट बना देंगे देश की। हम तेलंगाना को देश का नंबर वन राज्य बनाएंगे, नंबर वन राज्य। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर वन स्टेट बना देंगे। ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर वन बना देंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर वन स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर वन राज्य बनाने का लिए। मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। देश में ऐसी घटनाएं हुई थी, बहुत पहले भी हुई थी और आगे भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे देश का शर्म शर्म से नहीं झुकता है, देश के लोगों का सर शर्म से झुकता है। ये चीजें समझ में आना चाहिए। मेरे से सीनियर है, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बोलना क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। जहां तक मैंने पढ़ाई किया है वहां पे मुझे यही सिखाया गया है कि भारत का सर हमेशा गर्व के साथ जो है ऊंचा रहेगा। क्या बोले मैं समझा नहीं। चला पीछे मुझे देख। अपने सम्मानित भाई को, प्रिय भाई को ये बता दूं कि देश के लोग ही देश होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। ये आपकी किताब में नहीं पढ़ाया गया होगा कि देश और क्या है, देश के लोग ही तो देश है। अब देश के लोगों का सिर शर्म से झुका तो देश का ही सिर शर्म से झुका। हम तीसरे काल का कार्यकाल में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। अच्छा, तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर दें। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। पर ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ, वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। मैं क्या आपको बात बताऊं? इधर हाथ दीजिए, एक सवाल आया है मेरे मन में। आइए देखते हैं मजा आया। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? क्या बोले मैं समझा नहीं। अभी पता चलेगा। एनआईटी दिल्ली, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में लोकार्पण हुआ है। जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूँ इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है। आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर। आइए देखते हैं मजा आया। जिस तरह का हम एक व्याख्या देख रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और जिस तरह के वीडियोस 2976 वीडियोस की बात की जा रही है, और वो आदमी भाग जाता है देश से, लाचार मजबूर है, क्या हम वापस लाएंगे? इस पर न्याय कैसे मिलेगा? गुड क्वेश्चन। पहली बात है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर बंगाल में इस प्रकार का घटना होती तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है। लेकिन क्या हम ये कहेंगे आंध्र में होती तो आंध्र की सरकार, कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? तेलंगाना में तो कर्नाटका में होता, कर्नाटका की सरकार जिम्मेवार है कदम लेने के लिए। बलात्कार बलात्कार होता है। हर बेसहारा गाय के लिए गौशाला बनाएंगे। अच्छा, जो किसान बेसहारा गायों की देखभाल करेगा, हर गाय पर हर महीने 900 रुपए उसको उपलब्ध कराएंगे। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? अभी पता चले। योगी जी बोल रहे थे कि एक गाय का 1500 रुपया महीना मिलेगा। ठीक है ठीक है। तो मैं मतलब 16 गाय लेके गौशाला से आया।
बोल रहे थे एक महीने में एक गाय का 1500 रुपया है, आज 7 महीना हो गया है एक पैसा नहीं आया। चूतिया बनाया तुमको। देश के इतिहास में दोस्तों बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं, लेकिन इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी है। ये जो गोल्ड है बहनों का, गोल्ड ले लेंगे। कभी कहते हैं कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, तो कभी कहते हैं मटन बनाकर कांग्रेस मौज कर रही है। मटन बनाने का मौज ले रहे हैं क्या? वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। मम्मी ये देखो मुझे चिढ़ाना चाह रहा है क्या? 4 साल के बच्चे हैं क्या देश के लोग जो चिढ़ाना चाहेगा उन्हें कोई? आज से कुछ दिन पहले गुजरात में कह रहे थे कि अगर आपके पास 2 भैंस हैं तो कांग्रेस आपकी 1 भैंस छीन कर ले जाएगी। मजाक नहीं कर रहे देख लो, मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। और भैंसों की इतनी फिक्र है तो देश की सबसे बड़ी बीफ कंपनी से क्यों चंदा लेते हो करोड़ों का? आज अपने भाषण में कहते हैं कि नवीन पटनायक उड़ीसा के जिलों के कैपिटल के नाम नहीं बता सकते। आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। बताओ भाई जिलों के कब से कैपिटल होने लग गए? एक सजाया युवा